हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप सभी का स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज के नए वीडियो में। तो दोस्तों, अभी बारी है बॉलीवुड न्यूज की। करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के दूसरे भाग स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 की नई रिलीज डेट आ गई है। हाल ही में अनाउंसमेंट की गई है कि ये फिल्म अगले साल 10 मई को सिनेमा घरों में दस्तक देगी। प्रियंका की भारत फिल्म छोड़ने की वजह उनका रोल था, ना कि उनकी सगाई। ऋषि कपूर और तापसी पन्नू की फिल्म मुल्क की रिलीज पर मुंबई कोर्ट ने रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। ये फिल्म आतंकी घटना की साजिश रचने के आरोप में घिरे एक मुसलमान परिवार पर आधारित है। प्रियंका चोपड़ा के जाते ही सलमान को मिल गई सुंदर और सुशील लड़की, नाम है कैटरीना कैफ। जी हाँ, भारत फिल्म में कैटरीना कैफ नजर आने वाली है। संजय दत्त और जाह्नवी को मात देकर टॉम क्रूज बने बॉक्स ऑफिस के किंग। सनी देओल की फिल्म का नया पोस्टर एकदम मजेदार रिलीज होने को तैयार है। ये पोस्टर है फिल्म यमला पगला दीवाना को, जो कि रिलीज हो रही है 31 अगस्त को। रणबीर कपूर स्टारर फिल्म संजू ने बॉक्स ऑफिस पर 340 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। बता दें, इस फिल्म ने टाइगर जिंदा है और आमिर खान की फिल्म पीके को बॉक्स ऑफिस पर पीछे छोड़ दिया है। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म गोल्ड को रिलीज होने में अब सिर्फ 15 दिन का समय रह गया है। बता दें, 15 अगस्त को रिलीज होने वाली ये अक्षय कुमार की लगातार तीसरी फिल्म है। धड़क फिल्म के बाद जाह्नवी कपूर नजर आ सकती हैं फिल्म रणभूमि में और वो वरुण धवन के साथ इश्क लड़ा सकती हैं उस फिल्म में। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। देखते रहें बॉलीग्रैड स्टूडियोज। आने वाले इंटरेस्टिंग फिल्मों के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए